नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जमुई में बारिश के बाद एक और पुल धंस गया। बता दें कि इस पुल के धंसने के बाद करीब 2 दर्जन गांव जो है वो प्रभावित हुए हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही थी, हमारे बातों को अनसुना किया जा रहा था। इस पुल के धंसने की आशंका हम लोगों ने पहले ही जताई थी। हम लोगों ने नीतीश सरकार से और यहाँ के प्रशासन से ये पहले ही गुहार लगाया था कि यहाँ का पुल जो है वो बारिश के वजह से धंस सकता है, जिसके बाद हमारे आवागमन में जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन ना सरकार हमारे बातों को सुनी और ना ही यहाँ की प्रशासन। जहाँ एक तरफ बारिश के वजह से लोगों को उमस भरी, यानी बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा संकट अब जमुई के लोगों के ऊपर भी आ खड़ी हुई है। जमुई के सोनो में वर्षा के बाद बरनार कजवे क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि इस पुल के 10 पिलर दब गए हैं, लिहाजा पुल एक ओर से झुक गई है। प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगाकर आवागमन पर रोक लगा दी है। जिले में बीते 2 दिनों से लगातार जोरदार वर्षा हो रही थी। बरनार नदी में बाढ़ आई और पानी के तेज बहाव से इसके 10 पिलर दब गए। बरनार नदी कस्बे के क्षतिग्रस्त होने से प्रखंड मुख्यालय का पश्चिम क्षेत्र संपर्क टूट गया है। पुल की इस दुर्दशा होने के पीछे ग्रामीण कई और कारण भी बताते हैं। बता दें कि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बालू उठाव में संवेदकों की मनमानी पर जिम्मेदारों की चुप्पी ग्रामीण के लिए आफत बनकर सामने आ गई है। पहले भी बाढ़ आता था लेकिन पुल को कुछ नहीं। इस साल पुल के पिलर के पास से भी बालू का उठाव किया गया। ग्रामीणों के विरोध को अनसुना कर दिया गया। इसके लिए आंदोलन भी चला लेकिन ये आवाज नकार खाने की टूटी बनकर रह गई थी। पुल के क्षतिग्रस्त होने से 2 दर्जन से अधिक गांव और 1.5 लाख से अधिक की आबादी का संपर्क टूट गया। अब इन गाँव में लोगों को लगभग 15 किलोमीटर घूम कर प्रखंड मुख्यालय पहुँचना होगा। बता दें कि पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ पुल के पास लग गई। लोग तरह तरह से बात कर रहे थे और इसके लिए जिम्मेदारों को पूछ भी रहे थे। बताया कि वक्त पर अगर सतर्कता बरती जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ग्रामीणों की बहुत वर्षों की मांग के बाद वर्ष 2010 में ये पुल बनाया गया। अब आगे कब बनेगा कहां नहीं जा सकता है। ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। नदी के पार रहने वाले किसानों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि जानकारी मिलने पर अंचलाधिकारी राजेश कुमार, थाना अध्यक्ष रंजन कुमार, एएसआई विपिन कुमार पुलिस जवानों के साथ पुल पर पहुंचे, क्षतिग्रस्त काजवे का मुआयना किया और एहतियातन सोनों पर चुरहेत के ग्रामीणों की सहायता से दोनों ओर से बैरिकेटिंग कर पुल पर संचालन पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। तो देखिए, बारिश की वजह से जमुई में एक और पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। पुल के जो खंभे हैं वो गिर जाते हैं, जिसके वजह से अब लोगों का आवागमन जो है वो प्रभावित हो गया है। प्रशासन द्वारा दोनों तरफ से बैरिकेटिंग लगाकर वहां लोगों को आने जाने से मना भी किया जा रहा है। अब इस पर ग्रामीणों का कहना है कि हमने पहले भी कही थी पुलिस प्रशासन से, बिहार सरकार से, कि यहाँ पुल के पास से लोग बालू जो है वो उठा रहे हैं, जिसके वजह से पुल का गिरना तो तय है, पुल का क्षतिग्रस्त होना तो तय है, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं गया, हमारे बातों को सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा अनसुना कर दिया गया, जिसके वजह से आज हमारे लिए ये बड़ी विपत्ति, हमारे लिए ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।